नमस्कार बंटी जी, NBC 24 मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। SGT बहाली को लेकर अभी के प्रवेश में क्या कुछ कार्य हो रहा है, क्या कुछ परिस्थितियां बन रही है, बताइएगा। सबसे पहली बात, NBC 24 और आपकी पूरी टीम को, अभिषेक भाई, बंटी कुमार, SGT क्वालिफाइड के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोग का हमेशा से आवाज दे रहे हैं और वर्तमान में भी आप SGT हो या CTET हो, BTET हो, सबकी आवाज है। आपके चैनल ने हमेशा प्रमुखता से हम लोगों की मुद्दे और मांग को उठाया है। मैं आपको बता दूं, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, 26 तारीख को फ्लोर टेस्ट था और महागठबंधन की सरकार ने, जदयू और RJD की सरकार ने अपना फ्लोर टेस्ट फुल मैंडेट के साथ साबित कर दिया। 160 विधायक इनके साथ हैं। मैं बता दूं, अभी वर्तमान सरकार का इनके संकल्प है और हमको पूरा विश्वास है सितंबर माह में 100% अधिसूचना को लेके कहीं ना कहीं बिहार सरकार कुछ न कुछ तेजस्वी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा कदम उठाएगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सातवां चरण जो हाई स्कूल का और प्लस टू का जो हो रहा था वो भी क्लियर हो गया। इस माह में क्लियर कर देंगे अगस्त में, उसके बाद सातवां चरण का ही प्रोसीडिंग ऑन आगे बढ़ेगा। जी अभिषेक भाई जी, दूसरा सवाल ये रहेगा कि शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे, कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री से भी आप लोग मिलने गए थे, तो क्या कुछ उधर से बातें निकल के आ रही है? क्या लग रहा है कि बहाली पर हो जाएगी? क्या विभाग कार्य कर रहा है क्या? देखिए, शिक्षा मंत्री से तो मैं उस दिन नहीं जा पाया था, लेकिन एक दिन पहले आप कवर कर रहे थे तो संडे को, तो आप देखे भी थे कि हम लोग गए हुए थे, तेजस्वी जी से मिले थे। तेजस्वी जी ने बोला था कि आप लोग आप क्यों आपस में लड़ रहे हो दो खेमे में, तो हमारे साथ मेरिट के ही अभ्यर्थी थे अनिल जी, उनके देखे बोला सर हम लोग एक हो गए हैं और लगातार हम लोग एक मंच पे, एक तरीके से महागठबंधन जिस तरह से एक तरीके एक मंच पे आके सरकार बनाने का काम किया, उसी तरह हम लोग एक मंच पे आके इस बहाली को खुलवाने का काम कर रहे हैं। और ये लोग बोलते भी थे, चाहे वो विपक्ष से कोई भी मंत्री मिलते रहे हो, चाहे वो पप्पू यादव हो जाके या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हो लोजपा के, या आप देख लीजिए यही तेजस्वी जी थे, तेज प्रताप जी थे, उनसे भी मिला करते थे, तो वो बोलते थे कि सरकार आपको लड़ा रही है। भाजपा और जदयू जरूर सरकार में थी, लेकिन जदयू कहीं कहीं बैकफुट पे थी, इस बात को समझिए, वो लड़ाने का काम कर रही थी, इस बात को समझिए आप। और हमें पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि शिक्षा मंत्री का जो आश्वासन था वो कहीं ना कहीं इसके पहले तेजस्वी जी ने संडे को उन्होंने बोला था कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए और एक प्लेटफॉर्म पे आके हम अपना पहले फ्लोर टेस्ट साबित कर लेंगे और उसके बाद हम नीतीश कुमार जी से और खासकर शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग में इस बात को हम लोग फिर इस पे विचार करेंगे। और बहुत जल्द ही जो हम लोग 10 लाख नौकरी देने की बात किए हैं उसमें इस बात को लेकर हमारा मेंशन है कि हम हाई स्कूल हो चाहे वो मिडिल स्कूल हो या प्राइमरी हो या प्लस टू हो, सबका हम नोटिफिकेशन एक साथ निकाल लेंगे। ये बात 100% मैं आपको बताऊं अभिषेक भाई, ये जब भी मैं बोला हूँ, नोटिफिकेशन जब भी आएगा सातवां चरण का एक साथ आएगा और चारों स्ट्रीम का आएगा। जी, पूरे पूरी तरीके से आश्वस्त हैं आप लोग? आश्वस्त निश्चित तौर पे हैं और हमको आपको बता देते हैं अगर इसके उलट अगर सरकार हम लोग का मांग स्वीकार नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे वैसा होगा, तो हम लोग फिर आगे की पटल पे जो कहीं ना कहीं लड़ाई के पटल पे होगा तो हमको मैदान में फिर आना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी आप देख लीजिएगा जितने आपका चैनल तो हमेशा हम लोगों का मुद्दा और मांग को उठाया रहा है, मैं आपको बता दूं जितना भी मेन स्ट्रीम चैनल है आप देखिएगा, चाहे कोई भी चैनल हो, सब चैनल अब जो है कहीं ना कहीं रोजगार पे नौकरी पे बात कर रही है। लेकिन यही इसी के उलट आप देखिए, भाजपा की सरकार थी उसमें रोजगार की बातें नहीं होती थी, नौकरी की बातें नहीं होती थी, धन से जुड़ा हुआ मुद्दा या और चीजों से जुड़ा हुआ मुद्दा की वहां पे चर्चा होते रहते थे। लेकिन एक बहुत अच्छी खूबसूरती है इस लोकतंत्र की कि महागठबंधन की सरकार बनी और कहीं के रोजगार और अभ्यर्थियों की हित की बातें हो रही है। और मैं बता दूं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सही संकेत है कि सही समय पे सरकार ने सही डिसीजन लिया और हम इस तरह से इस बात को हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि आने वाले कुछ ही समय में, मतलब अगस्त में जो आने वाला था वो निश्चित तौर पे सितंबर में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ रणनीति बन रही है, क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हमारी टीम काम कर रहे हैं, उस टीम में कुंदन जी हैं, सुशील भाई हैं, दीपक जी हैं, विकास जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, उस अनिल जी भी जुड़ गए हैं, तो एक ताकत हम लोग हैं।
और वो ताकत के रूप में हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं और आने वाले टाइम में हम इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। हम जरूर जानते हैं कि कुछ साथी मेरिट में दो चार लोग हैं जो अभी भी वो विरोध कर रहे हैं, खेमेबाजी में बांटने का काम कर रहे हैं। पंडित जी, कहीं एक सवाल रहेगा आपसे और जी, सवाल जी, ये रहेगा कि अनिल एसटी के मेरिट कैंडिडेट है क्या, तमाम अभ्यर्थी साथ हैं या फिर सिर्फ एक इकलौता अनिल आपके साथ? नहीं नहीं, अनिल जी के साथ बहुत सारे लोग हैं, प्रकाश जी हैं और भी बहुत सारे साथी हैं। मैं उतना तो मेरिट के कुछ साथियों का नाम जान रहा हूँ, लेकिन कुछ 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 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लोग हैं जी। कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है, वो फैला के रखना चाहते हैं, वो अपना कहीं ना कहीं। एक बात मैं आपको बता दूं अभिषेक भाई की, मेरा मानना है कि आप किसी को नीचा करके आप अपने आप को ऊपर सुप्रीम साबित नहीं कर सकते, और आप अगर हमेशा आप अपने आप को ऊंचा साबित करेंगे और अपने साथियों को नीचा साबित करेंगे तो ये बात हमेशा है नहीं होगा, तो आप अपने अधिकार को आप निश्चित तौर पर नहीं दे सकते। और ये बात मैं आपको बता दूं, जब रिक्तियां हाई स्कूल में 1 लाख से ऊपर आ रही हैं, रिक्तियां प्राइमरी और मिडिल में आप मान के चलिए 1.5 लाख से ऊपर आ रहे हैं, तो इसमें ऑब्जेक्शन आप क्यों कर रहे हैं? 30,675 का ही डिमांड आप क्यों करते हैं बार बार? बिल्कुल। और 30,675 का ही अगर आप डिमांड करते हैं तो क्या आपको लगता है कोटिवार और जिस तरह से रिक्तियों की संख्या उस आधार पर आपकी हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो आप करवा लो, क्यों नहीं करवा पाए इतने दिनों में? तो मैं बता दूं, और यही सरकार थी विपक्ष में जब ये तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी हुआ करते थे, तो वो बोला करते थे कि आप लोग एक साथ आइए, सरकार आपको लड़ा रही है, और लड़ाने का काम कहीं ना कहीं भाजपा की मैनिफेस्टो का एक देख लीजिए एजेंडा रहा है शुरू से, और यही वजह है कि इसकी सरकार को सही टाइम पे सही चुनौती के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन बना और नौकरी और रोजगार हमको मिलेगा। और आपको मैं बता दूं, 15 अगस्त को जो घोषणा हुआ था, आज तक कभी नीतीश कुमार जी ने घोषणा नहीं किया झंडा तोलन में, लेकिन अब देखिएगा कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे थे, अभी मेन स्ट्रीम में वो चल रहे हैं, और 100% नीतीश कुमार जी इससे संज्ञान लेंगे और आने वाले टाइम में जो भी चीज होगा, 24 में लोकसभा का इलेक्शन है, 25 में विधानसभा का इलेक्शन है, हम लोग फुल मैंडेट के साथ जितने सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, जितने सारे लोगों का नौकरी होगा, वो सारे अभ्यर्थी इनके साथ हैं और इनकी सरकार को हम लोग मजबूती से आगे पहुंचाने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहाली अगर करवाई ये सरकार तो कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थी, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बिहार सरकार के साथ रहेगी, नीतीश कुमार के साथ रहेगी और कहीं ना कहीं जिताने का काम करेगी। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि हम रोजगार देंगे 10 लाख रोजगार देंगे, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अब बैकफुट पे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद है हमें कि हमारी बहाली होगी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बिहार में सरकार बनी है, इसके बाद अभ्यर्थी काफी अस्वस्थ है और बंटी का यह साफ कहना है तमाम अभ्यर्थी एक साथ रहे, 80,402 की बात कर और कहीं ना कहीं यह मांग करे कि जल्द से जल्द बहाली हो, वहीं बिहार का शिक्षा मंत्री हो या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बहाली होगी। क्या कुछ कह रहे थे बंटी एसटीटी के अभ्यर्थी आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।